क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें हमें डी एक्स डिवाइडेड बाई फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स को इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय, इसको सबसे पहले तरतीब में लिखेंगे, यानी सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वेयर, उसके बाद प्लस फाइव एक्स, उसके बाद माइनस सिक्स। अभी हम नीचे से माइनस साइन को कामन लेंगे, तो ये रहा माइनस और एक्स स्क्वेयर प्लस होगा, फाइव एक्स हमारे पास माइनस फाइव एक्स होगा और सिक्स हमारे पास प्लस सिक्स होगा। और इस साइन को हम इंटीग्रेशन साइन के इस पास शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय, अभी हमारे पास नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वेयर से स्क्वेयर में चेंज करेंगे। तो इधर एक्स के पास फाइव है, तो हम अगर फाइव को रफ वर्क में मल्टीप्लाई बाय वन बाई टू कर ले तो इसका आंसर फाइव बाई टू आ जाएगा, और हम इसी का होल स्क्वेयर लेकर यहाँ पर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स और इस पर प्लस होगा फाइव बाई टू का होल स्क्वेयर, और माइनस भी होगा फाइव बाई टू का होल स्क्वेयर, फिर प्लस सिक्स वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर हमने फाइव बाई टू का होल स्क्वेयर ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास एक्स स्क्वेयर है और इधर फाइव बाई टू का होल स्क्वेयर, ये फाइव बाई टू होल स्क्वेयर और इसके साथ प्लस। अभी हम माइनस फाइव एक्स की जगह माइनस टू ए बी लिखेंगे, टू और ए की जगह हम एक्स पुट करेंगे और बी की जगह फाइव बाय टू, क्योंकि अगर हम टू और टू को आपस में कैंसिल कर ले तो फाइव इंटू एक्स वापस फाइव एक्स आ जाएगा। और इसके बाद माइनस, यहाँ पर हम स्क्वायर को इन दो पर अप्लाई करेंगे, तो फाइव स्क्वायर हमारे पास ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर हमारे पास फोर आ जाएगा, और प्लस सिक्स। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा कि अगर ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी हो और प्लस बी स्क्वायर, तो उसका आंसर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए की जगह एक्स है और बी की जगह फाइव बाई टू, तो इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम एक्स माइनस और बी की जगह फाइव बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। और अभी हम इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिक्स के नीचे वन है और अगर हम फोर और वन का एलसीएम ले लें तो फोर आ जाएगा, और फोर डिवाइडेड बाय फोर आ जाएगा वन, वन इंटू ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव, और फोर डिवाइडेड बाय वन आ जाएगा फोर, और फोर सिक्स हमारे पास ट्वेंटी फोर, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एक्स माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वेयर, फिर 25 माइनस 24 हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5 बाई 2 का होल स्क्वायर, और माइनस, अभी हम 1 बाय 4 की जगह 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो तो इसका आंसर आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए। तो अभी हम इस फार्मूले को अगर क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर ले तो एक्स की जगह एक्स माइनस फाइव बाई टू आ जाएगा, तो हमारे पास हेयर x बराबर है x माइनस फाइव बाई टू के, और a हमारे पास वन बाई टू के बराबर है, तो a इक्वल्स टू वन बाई टू,
अभी हम इसमें पुट कर लेंगे, प्लस कॉन्स्टेंट सी बी इज इक्वल टू, तो ये साइन वैसे ही आ जाएगा माइनस और 1/2 a, 1/2 ये 2 और a की जगह 1/2 आ जाएगा, ये 1/2, फिर log ऑफ यहाँ पर x माइनस a, तो x की जगह x माइनस 5/2 माइनस a की जगह 1/2 आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय x प्लस a, तो x की जगह x माइनस 5/2 और प्लस a की जगह 1/2, तो हमारे पास इक्वल्स टू माइनस 1/2 इंटू 1/2, फिर log ऑफ x माइनस 5/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5/2 प्लस 1/2 हमारे पास बच गया था, और प्लस कॉन्स्टेंट सी भी साथ। तो अभी यहाँ पर ये 2 और 2 हमारे पास कैंसिल होंगे, तो सिर्फ माइनस 1 बच जाएगा, तो माइनस 1 फिर log ऑफ, यहाँ पर हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो इसके नीचे 1 है, तो 1 2 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, और 2 को हम अगर 1 के साथ डिवाइड कर लिए तो 2 आ जाएगा, और 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2x आ जाएगा, फिर 2 को हम अगर 2 के साथ डिवाइड कर ले तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, और 1 इंटू 5 माइनस 5 वैसे ही, और 2 को अगर 2 के साथ डिवाइड कर ले तो आंसर 1 आ जाएगा, और 1 इंटू 1 हमारे पास माइनस 1, फिर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी हम तीनों के एलसीएम लेंगे, तो 1 2 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, और 2 को हम अगर 1 के साथ डिवाइड कर ले तो 2 आ जाएगा, और 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से 2x आ जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आ जाएगा, 1 इंटू 5 हमारे पास माइनस 5, और 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 1, 1 इंटू 1 1 और प्लस 1, यहाँ पर ये 2 और ये 2 भी आपस में कैंसिल होंगे, तो हमारे पास बाकी बच जाएगा माइनस log ऑफ, ऊपर हमारे पास 2x, और यहाँ पर माइनस 5 माइनस 1 का आंसर माइनस 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे भी 2x और माइनस 5 प्लस 1 का आंसर माइनस 4 आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट c माइनस log ऑफ, अभी हम ऊपर में से 2 को कामन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 3 बच जाएगा, और नीचे से भी हम 2 को कामन लेंगे तो x माइनस 2 बच जाएगा, और ये दोनों 2 भी आपस में कैंसिल होंगे, तो हमारे पास माइनस log ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, यही हमारे पास आंसर है।